सवाल है 0.1254 बार का भिन्न निरूपण करना है। तो इस पर संख्या पर बार भी लगा हुआ है ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें बार हटाना है, और बार हटाने के बाद में इसको भिन्न, इस पूरी संख्या को मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स बराबर 0.1254 और 54 पर बार। अब इस बार को हटाने के लिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? दो संख्याओं के ऊपर बार है, 5 और 4 के ऊपर। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी संख्याओं के ऊपर हम उतनी ही 0 से गुणा कर देंगे। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो ये समीकरण 1 मानते हैं हम इसको, और समीकरण 1 को 100 से गुणा करेंगे। 100 में 2 0 होती है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने के बाद में क्या आता है? 100x बराबर 12.54। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास में क्या आएगा? 99x बराबर, और यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे 4 संख्या, तो हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं इधर भी, दशमलव के बाद में, तो बार, तो बार से बार ही कट जाएगा। बार से बार कट गया, इसको घटाएंगे, 4 में से 2 गया, 2 आया, 4.12। अब ये तो हमारा बार हट गया। अब बार हटाने के बाद में इसको भिन्न में बदलना है, तो x बराबर हो जाएगा 12.42/99। अब इसको काट लेंगे, तो काटने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं इसको 12.42/99। तो जी दशमलव से दशमलव हट गया। इसको काटने के बाद हमारे पास बचेगा 69.69/550। तो x बराबर बचेगा 69/550। तो ये हमारा आंसर आएगा 69/550। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके लिए 2 प्रोसेस काम में लेनी होती है, तब जा करके ये बार बार सवालों को भिन्न में बदला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।